Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very, very good evening, Nazreen. Dekh rahe hain aap Shireen Anwar ko, program ka naam hai Panasonic Quality Kitchen. Thank you so much for tuning on to Masala TV. Aaj hamare show mein hum kya bana rahe hain? Khush ho jayenge bache, bade, boodhe sab. Isliye ke ban raha hai pizza aur scratch se. Aur uska dough hum goondenge hamare Panasonic ke फूड प्रोसेसर में, ठीक है। इसमें 13 अटैचमेंट्स हैं और 33 इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा चलें अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आटा और सॉरी मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर 1.5 कप चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसमें से बचाऊंगी ज़रा सा। इंस्टेंट ईस्ट इसमें जाएगी, एक चाय का चम्मच बिल्कुल भर के। मैं इसलिए एक चाय का चम्मच डाल रही हूँ, इसको भर कम डाल रही हूँ वरना डेढ़ पड़ता है, बिकॉज ये बनेगा थिन एंड क्रिस्पी पिज्ज़ा। ओके, अब इसमें जाएगी चीनी एक खाने का चम्मच, फिर इसमें जाएगा नमक आधा चाय का चम्मच और इसमें जाएगा तेल क्वार्टर कप। तेल में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सही जाना चाहिए, ठीक है। क्वार्टर कप चला गया इसमें तेल और अब इसमें जाएगा पानी, परफेक्ट नीम गरम पानी। अभी मैंने क्वार्टर कप डाला है। N1 दबाएंगे तो वो कंटिन्यूस चलेगी और यहाँ से देखें आप, यहाँ स्पीड्स हैं, कम करें ज़्यादा करें, ठीक है। तो अब मैं M1 पे स्टार्ट कर रही हूँ। अमेजिंग, M1 क्वालिटी मशीन्स हैं पैनासोनिक की, मेड इन मलेशिया। ये देखें, वाह। थोड़ा सा हाथ पे मैं लगा रही हूँ तेल, बेशक इसमें भी ड्रिप हो जाए बिकॉज हमें ग्रीस करना है। इसको हम निकालेंगे, ऐसे ही होगा नरम, जब भी आपका पिज्ज़ा बेहतरीन बनेगा। ये नहीं सोचिएगा कि बहुत नरम गूंद लिया, नहीं, इसीलिए स्क्रैच से बताया है ताकि आप लोग को समझ आ जाए। पिज्जा का आटा चाहे डीप पैन का हो चाहे थिन एंड क्रिस्पी का हो, उसको आप गूंदने के बाद इस तरह से तेल लगाएंगे और पटकेंगे, बैंग करना है आपको। इससे क्या होता है, आपके डो में इलास्टिसिटी आती है, ठीक है। अब ये थिन एंड क्रिस्पी पिज्ज़ा है तो हम इसको फौरन बेल रहे हैं। अचानक कोई आ जाए घर पे, आप फौरन बना सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने मैदा बचाया था, ये आपका बारबेक्यू पिज्ज़ा बन रहा है तो इसमें हमको पिज्ज़ा सॉस की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम बारबेक्यू सॉस डालेंगे। यहाँ मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है अपना 10 इंच का, अच्छी तरह से, ये देखें काफ़ी सारा, 10 इंच की पिज्ज़ा प्लेट।
देखें आटा कितना नरम है, होना ही ऐसा चाहिए। और ये मैं थिन बेल रही हूँ, थिन पिज्जा है तो पतला होगा डो। मैं आपको इसमें एक सैलेड भी सिखाऊंगी, कैबेज काटना, ठीक है। ये जो एजेस मोटे हैं ना, काट दीजिए, बिकॉज ये थिन बन रहा है पिज्जा। बड़ा मज़े का, आई लव थिन एंड क्रिस्पी। मैं आपको काट के बता रही हूँ। तो ये सारी मशीनें आहिस्ता आहिस्ता करके लेनी पड़ेगी। ये देखें, मैंने जितना इसका मोटा मोटा था ना निकाल दिया, थिन चाहिए मुझे, ठीक है। अब इसको थिन एंड क्रिस्पी पिज्जा को कांटे से प्रिक करेंगे या छुरी से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे बारबेक्यू सॉस। ये पूरा बारबेक्यू फ्लेवर आएगा आपके पिज्जा में। ठीक है, ये हो गया। अब हमेशा थोड़ी सी चेडर चीज बेस पे डाल दिया करें, ज्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून। अब फिलिंग आपकी मर्जी है, स्मोक चिकन डाल लो, चिकन टिक्का चंक्स डाल लो, भुना हुआ कीमा बना के डाल लो, या फिर बाजार का खरीदा हुआ चिकन टिक्का ले लो, श्रेड करके वो डाल दो, चिकन टिक्का पिज्ज़ा बन जाएगा। फिलिंग आपकी चॉइस है, ठीक है। चीज़ डाली, चीज़ के बाद मैंने यहाँ पे चिकन टिक्का चंक्स डाले। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 1 प्याज थिनली स्लाइस्ड, शिमला मिर्च 1 चॉप्ड, मशरूम्स 5-6, ठीक है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ऑरिगैनो लीव्स, ऑरिगैनो के पत्ते, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज, आधा कप, और फिर इसमें जाएगी चेडर चीज, ग्रेटेड 1/2 कप। फिर इसमें जाएगी, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, पार्मेसियन चीज़ ले रखी हुई है। बस चलते हैं अपने माइक्रोवेव की तरफ, बिकॉज ब्रेक का टाइम आ रहा है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव देखें, ज़बरदस्त, बिल्कुल ओवन की तरह है ये। ऊपर अगर आपको ग्रिलिंग वगैरह करनी है तो बड़ा वाला रखेंगे स्टैंड, ठीक है। मैंने ये वाला रखा है। अब मैं जा रही हूँ, इतनी बड़ा है, मेड इन जापान है, 4 डायमेंशन है, इन्वर्टर है, ठीक है, और इसमें 20 ऑटो मेन्यू है। अच्छा, अब मैं उसी पर जा रही हूँ,
कन्वेक्शन पे, सेट टेम्परेचर मुझे चाहिए 200, पिज्ज़ा 200 पे बेक होता है, और टाइम मैं सेट कर रही हूँ 20 मिनट्स। स्टार्ट कर दिया। चलें जी, आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए, मैं यहाँ से इसको क्लियर करती हूँ, टेबल साफ करते हैं अपना काउंटर, और इंतज़ार करिए, बहुत ही मज़े का मीठा बनेगा। स्टे विद बारबेक्यू चिकन पिज्ज़ा। अज्जा, मैदा 1.5 कप, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, तेल 1/4 कप, खमीर 1 चाय का चम्मच, नीम गर्म पानी 1 कप। फिलिंग के लिए अज्जा, सॉसेज स्लाइस 1 कप, बारबेक्यू सॉस 4 खाने के चम्मच, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ कद्दूकश 1/2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, मशरूम स्लाइस 3 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च चौकोर कटी 1/2 कप, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, पार्मेजान चीज़ 2 खाने के चम्मच। बारबेक्यू चिकन पिज्ज़ा। अज्जा, मैदा 1.5 कप, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, तेल 1/4 कप, खमीर 1 चाय का चम्मच, नीम गर्म पानी 1 कप। फिलिंग के लिए अज्जा, सॉसेज स्लाइस 1 कप, बारबेक्यू सॉस 4 खाने के चम्मच, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ कद्दूकश 1/2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, मशरूम स्लाइस 3 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च चौकोर कटी 1/2 कप, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, पार्मेजान चीज़ 2 खाने के चम्मच। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप पैनासोनिक क्वालिटी किचन, और सेकंड रेसिपी आपको बताई नीति क्या है, सबका फेवरेट मीठा ट्राइफल, लेकिन कौन सा ट्राइफल है ये हम बना रहे हैं, कैपेचिनो ब्राउनी ट्राइफल, ठीक है। ओके, क्या करना है आपको, आप ब्राउनी बाज़ार से ले लो, आप ब्राउनी खुद बना लो 2 अंडे की, और ठंडी करके उसकी स्लाइसेस आपने एक ट्राइफल बोल में डाल दी, ठीक है। अब इस ब्राउनी को मुझे मॉइस्ट करना है कॉफ़ी लिक्विड से। यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पड़ी हुई है, उसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1/4 कप जितना दूध। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको इसके लिए चाहिए 1 से 1.25 कप दूध, और इसमें इसको आपको कुक करना है, और इस दूध में आप डाल दीजिए 1 पैकेट चॉकलेट पुडिंग मिक्स का। हाथ में अपने विस्क ले लीजिए। वाओ, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा कस्टर्ड, चॉकलेट कस्टर्ड रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको जल्दी से ठंडा करना है, और हमें इसमें मिक्स करनी है क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, ठीक है। अच्छा, जब तक हम व्हिप्ड क्रीम मिक्स बीट करेंगे, यहाँ मुझे ये बीट करना है 3-in-1, ये हमारा है, इसका हैंड ब्लेंडर का है, इसकी मैं एग बीटर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे इसमें शुगर डालनी है, और शुगर आप लेंगे आइसिंग शुगर। थोड़ा सा मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि उड़े नहीं चीनी।
अब इसमें मैं मिलाऊंगी व्हिप्ड क्रीम जो मैंने इसी से फेंट के रखी हुई है, हमारे पैनासोनिक के जबरदस्त से फ्रिज में। देखें इतनी जबरदस्त है, ये भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त फ्रीजिंग है इसकी। थोड़ी क्रीम मैं इसमें मिला रही हूँ, थोड़ी मैं कस्टर्ड में डालती हूँ ताकि कस्टर्ड जल्दी से ठंडा हो जाए। देखा आपने, ये जो आपकी साइडों में लगी हुई है ना, इसको नीचे डाल दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से हो गई ना मिक्स। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड इसमें डालते हैं। मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, शो का टाइम इतना कम है, तो मैं गरम गरम डाल रही हूँ, आप मत करिएगा, आप इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिएगा। अच्छा पता है मैं क्या कर रही हूँ, एक आइडिया, मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, चीज़ मेल्ट हो जाएगी, मैं थोड़ा सा ठंडी वाली क्रीम इसमें डाल रही हूँ और उसको मिक्स कर लेती हूँ तो उसका रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। चलें ज़बरदस्त। अब हम इसमें डाल रहे हैं और इसको बीट करेंगे ताकि हमारा चॉकलेट चीज कस्टर्ड बिल्कुल यमी सा स्मूथ हो जाए। हो गया हमारा, अब सिर्फ बचा है इसकी असेंबलिंग बची है, लेकिन ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, तो ब्रेक पे से आते हैं हम और इसकी आपको असेंबलिंग करने बताएंगे तो आपका मीठा तैयार होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैपेचिनो ब्राउनी ट्राइफल अज्जा, ब्राउनी टुकड़ों में कटी 4 अदद, कॉफी दूध में मिक्स 1 खाने का चम्मच, क्रीम चीज 1 पैकेट, दूध 1 कप, फिटी हुई क्रीम 1 पैकेट, फ्रूट कॉकटेल 1 कप, चॉकलेट चिप्स 4 खाने के चमचे, चॉकलेट सॉस हस पे जरूरत, चॉकलेट पुडिंग मिक्स 1 पैकेट। कैपेचिनो ब्राउनी ट्राइफल अज्जा, ब्राउनी टुकड़ों में कटी 4 अदद, कॉफी दूध में मिक्स 1 खाने का चम्मच, क्रीम चीज 1 पैकेट, दूध 1 कप, फिटी हुई क्रीम 1 पैकेट, फ्रूट कॉकटेल 1 कप, चॉकलेट चिप्स 4 खाने के चमचे, चॉकलेट सॉस हस पे जरूरत, चॉकलेट पुडिंग मिक्स 1 पैकेट। जी वेलकम बैक, ये देखें हमारा कस्टर्ड तैयार है और ये हमारी ब्राउनी सोक की हुई है मिल्क और कॉफी के लिक्विड से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप फ्रूट कॉकटेल, चॉकलेट चिप्स थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी ऊपर, ये कस्टर्ड पूरा चीज और चॉकलेट का। चॉकलेट सॉस जरूरी नहीं है, आप हर चीज में पाइप क्रीम डालें। ये देखें थोड़े से चॉकलेट चिप्स बचाए थे, चलें जी डन।
ये हमारा हो गया कैपेचिनो ब्राउनी ट्राइफल रेडी। इसकी सर्विंग आराम से आप 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आप एक तरफ चलिए, आप चलें एक तरफ, मैं सिर्फ आपको पिज़्ज़ा की शक्ल दिखा रही हूँ और मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा निकालने, आप चलिए रिकैप दे के आइए। माशाल्लाह, चलिए रेसिपी रिकैप पे। बारबेक्यू चिकन पिज्ज़ा, अज्जा, मैदा 1.5 कप, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, तेल 1/4 कप, खमीर 1 चाय का चम्मच, नीम गर्म पानी 1 कप। फिलिंग के लिए अज्जा, सॉसेज स्लाइस 1 कप, बारबेक्यू सॉस 4 खाने के चम्मचे, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ कद्दूकस 1/2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, मशरूम स्लाइस 3 खाने के चम्मचे, शिमला मिर्च चौकोर कटी 1/2 कप, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, पार्मेजान चीज़ 2 खाने के चम्मचे। तरकीब, डो के लिए पैनासोनिक फूड प्रोसेसर में तमाम अज्जा मिलाकर डो गूंधें और 1 घंटे फूलने के लिए रख दें। अब डो को रोल करके पिज्ज़ा ट्रे पर फैलाएं, उसके बाद 2 खाने के चम्मचे तेल लगाकर बारबेक्यू सॉस, सॉसेज स्लाइस, प्याज स्लाइस, मशरूम स्लाइस, चौकोर कटी शिमला मिर्च और चीज़, ओरिगानो, चेडर चीज़, कद्दूकस, मोज़रेला चीज़ और पार्मेजान चीज़ रख दें। फिर पैनासोनिक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में 20 मिनट बेक करें। कैपेचिनो ब्राउनी ट्राइफल, अज्जा, ब्राउनी टुकड़ों में कटी 4 अदद, कॉफ़ी दूध में मिक्स 1 खाने का चम्मच, क्रीम चीज़ 1 पैकेट, दूध 1 कप, पिटी हुई क्रीम 1 पैकेट, फ्रूट कॉकटेल 1 कप, चॉकलेट चिप्स 4 खाने के चम्मचे, चॉकलेट सॉस हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट पुडिंग मिक्स 1 पैकेट। तरकीब, ट्रफल प्याले में ब्राउनी की तह लगाएं, फिर कॉफ़ी से नर्म करें, दूध को चॉकलेट पुडिंग के साथ पकाएं और चूल्हे से उतार लें। अब पैनासोनिक हैंड ब्लेंडर से क्रीम चीज़ और 2 खाने के चम्मचे पिसी चीनी फेंट लें, फिर इसे चॉकलेट कस्टर्ड और क्रीम में मिला दें। अब ब्राउनीज़ के ऊपर फ्रूट कॉकटेल की तह लगाएं, उसके बाद चॉकलेट चिप्स और फिलिंग शामिल करें, आखिर में फिटी हुई क्रीम से स्विरल बनाएं। देखा आपने रिकैप, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। देखें, मुझे तो इतना अच्छा लगा है ये पिज्ज़ा, मैं समझती हूँ घर के ओवन से बेहतर बेक होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। लीजिए पैनासोनिक के क्वालिटी किचन अप्लाइंसेस, जिसमें आज हमने आपको कितनी सारी चीज़ें यूज़ करनी बताई। देखें, इनका माइक्रोवेव बताया, ठीक है, 4 डायमेंशन वाला कन्वेक्शनल माइक्रोवेव ओवन यूज़ किया हमने, ये इनका 3-in-1 एग बीटर यूज़ किया, फिर पिज़्ज़ा का डो गूंदने के लिए हमने इनका फूड प्रोसेसर यूज़ किया। क्या क्या सिखाऊँ आपको, बताइए, मज़े आ रहे हैं आप लोगों को भी, है ना। देखते रहिए पैनासोनिक क्वालिटी किचन का शो, आगे आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये बहुत लंबे तक जाएगा शो, रमज़ान तक देखें, इन्जॉय करें इसको। और फिर अगेन आज की दोनों रेसिपीज़ आपके रमज़ान के लिए, मीठा हर घर में बनता है रमज़ान में, और पिज़्ज़ा हर रमज़ान में हर टेबल पर अच्छा लगता है, तो बनाइए, इन्जॉय कीजिए हमारा शो। ये पैनासोनिक क्वालिटी किचन हर रोज़ शाम में 4:30 बजे आता है, और फिर रिपीट, अगर मिस हो गया तो रिपीट होता है अगले दिन 12:30 बजे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मसाला है तो खाने में है मजा।